हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ये चैप्टर वन नंबर सिस्टम, इसके कुछ एमसीक्यू के को लेकर के। बच्चों देखो, फर्स्ट टर्म में क्या है कि हर जगह सीबीएसई ने कहा है कि एमसीक्यू आएगा और सेकेंड टर्म डिस्क्रिप्टिव होगा। तो जो एमसीक्यू है उसको यहाँ तो करना ही है, प्लस क्या होता है कि जब आप क्लास 12 पास आउट करेंगे तो जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में एमसीक्यू ही आया करता है। तो आपके नेक्स्ट मंथ से पेपर शुरू होने वाले, या बहुत सारे स्कूलों में क्या है कि प्री बोर्ड चल रहे हैं या प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, फर्स्ट टर्म से पहले ऐसा ज़रूर होगा। तो हमने कई एक चैप्टर्स के एमसीक्यू पहले से अपलोड कर रखे हैं। से पॉलिनोमियल है, लास्ट ईयर टर्म वाइज नहीं था तो पॉलिनोमियल की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है कि कंसेप्चुअल वीडियो ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स की अपलोड कर रखी हैं क्लास 9th की। आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और तब आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यू भी अपलोड कर रखे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, तो या यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, लाइंस एंड एंगल्स है, तो इनके मैंने एमसीक्यू भी अपलोड कर रखे हैं। तो इस चैप्टर का बाय द वे हमने एमसीक्यू पहले से नहीं अपलोड कर रखा था, तो लेट अस सी द सम एमसीक्यू ऑफ चैप्टर वन नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम, देखो हम पहले भी जैसे नंबर सिस्टम पढ़ाते रहे, क्लास 10th में पढ़ाए रियल नंबर, क्लास 9th में भी नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, हमने अपलोड कर रखा है उसको। उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्ट्स करके, या जो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन है, तो उसको मैंने आपको बताया है कि किस टाइप से आप उसको करेंगे, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं किसकी, एमसीक्यू की, इस चैप्टर की। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ये सारी बातें हम पहले से बता रखे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम उसके लिए नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ कहीं पर भी आएगा वहाँ पर हम थोड़ा बहुत आपको आइडिया ज़रूर देंगे कि क्या कंसेप्ट लग रहा है इसमें और उस कंसेप्ट को आपने कैसे ध्यान रखना है। यहाँ मैंने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1, अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 4, अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 4 इज, इसमें आंसर में हमें दे रखा है कि ए 7/2, बी 9/2, सी 3/2 और डी नन दे रखा है, नन ऑफ दिस, ये एन लिखा, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो देखो, और रेशनल नंबर, इसने एक रेशनल नंबर की बात की है। वैसे हमने आपको बता रखा है कि 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल, 4 रेशनल, 10 रेशनल नंबर, 1000 रेशनल नंबर कैसे 2 नंबर्स के बीच में निकाले जा सकते हैं। तो बच्चों अगर एग्जैक्ट एक रेशनल नंबर निकालना है तो मान लो कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, तो ए से बी बड़ा है, यानी ए इज लेस देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए, तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ए रेशनल नंबर लाइन बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरीके से मैं देखूँ कि 3 + 4 को अगर आप प्लस करके और 3 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। तो 7/2 इसमें ये ऑप्शन दे रखा है। तो लेकिन आप हमसे कह सकते हो, सर जी इस 7/2 के अलावा और कोई रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, बहुत सारे हजार उल्ला पुन्ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर कैन बी बिटवीन 1, 3 and 4 लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 रेशनल नंबर जो एग्जैक्ट जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो ये होगा, ठीक है ना।
और देखो ये के इसकी वैल्यू 4/4.5 ठीक है, 4.5, तो 4 से ये ग्रेटर हो गया, 3/2 1.5 यानी ये छोटा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ओके, लेकिन ये लाई करता है इसके बीच में 3.5, तो वैसे भी नहीं, अगर हम 3.5 करते हैं तब भी ये इसके बीच में लाई करता है, इस तरीके से निकाल लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, आर टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, द टू इरेशनल नंबर्स नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल, ए में दे रखा है इसने 3-√2 और 3+√2, बी में दे रखा है इसने 3+√2 और दूसरा 3+√2, सी दे रखा है कि 3-√2 और 3-√2, डी हमें गिवन है कि 3-√2 और 4+√3। अच्छा देखो ये क्वेश्चन हमने जानबूझ करके क्यों लिखा, इस बुक में तो बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो द टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक मान लो इरेशनल नंबर √3 है, अगर वो पूछता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक इरेशनल नंबर √3 है तो दूसरा -√3 होगा, तो इनमें से आप किसी का भी इन तीनों में से प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा, इसमें ये साइन चेंज है अदरवाइज ये सेम है, अदरवाइज ये सेम है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, यही ऑप्शन ट्रू है, मतलब यहाँ माइनस साइन है या प्लस साइन है, या यहाँ माइनस होता है या प्लस होता है, नंबर अगर सेम होते तो यही पहला क्या होता मेरा रेशनल नंबर होता, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9-4 हो जाएगा, a² - b² 5 आ जाएगा, 5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन मेरा लिखने का उद्देश्य क्या था कि आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है कि जो इरेशनल सिग नंबर है उस पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन रखना है, या जो इरेशनल नंबर है रूट में ही होता है, तो एक क्वेश्चन और लिखा रेशनलाइजिंग फैक्टर के लिए, द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी ऑफ 1/√7-2, ए ऑप्शन दे रखा है मुझे 7+2/3, बी ऑप्शन दे रखा है 7-2/3, सी ऑप्शन दे रखा है कि 7+2/5, और डी ऑप्शन दे रखा है 7+2/45। बच्चों देखो जैसे मान लो कि 1/√7 लिखा होता है तो हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि रेशनलाइजेशन, क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, किसकी करते हैं डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर की भी रेशनलाइज करते हैं, लेकिन वो हमारे 9th क्लास में नहीं है ना 10th क्लास में है, 11th-12th क्लास में, तो 1/√7, तो नीचे से मुझे रूट वाला साइन नंबर हटाना है तो मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर एक नंबर दे रखा है तो √7 × √7 क्या आ जाएगा 7/√7, ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन हो गया। अगर यहाँ पर लिखा होता 1/√a-b तो मैं ये दो नंबर हो गए, तो मैं क्या करूँगा कि इसका साइन चेंज कर दूंगा और फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है,
अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता मतलब ए प्लस रूट बी, अगर इस टाइप से होता तो मैं ए माइनस रूट बी और डिवाइडेड बाई ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर देता। अगर बच्चों यहाँ पे मान लो इस टाइप से लिखा होता कि वन डिवाइडेड बाई क्या लिख लूँ ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी, तो ये ज़्यादातर दो बार रेशनलाइज होता है। हम पीछे वाला साइन क्या करते हैं उसको चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे इसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या होगा दोबारा रेशनलाइज करने के लिए इसको कि दो नंबर्स में रूट आएगा, तो फिर हम इस तरीके से पहुंच जाएंगे। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पर क्या होगा रूट टू प्लस का टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये क्या आएगा लेट अस सी, देखते हैं हम इस बात को। तो इसको लिखा मैंने वन अपान में रूट सेवन माइनस का टू मल्टीप्लाइड बाई रूट सेवन प्लस का टू रूट सेवन प्लस का टू। अच्छा क्या होता है कि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, तो रूट सेवन प्लस का टू इस रूट सेवन का स्क्वायर अगर नहीं मालूम है आपको तो क्या होता है कि रूट ए इंटू रूट ए इसके इक्वल होता है a के इक्वल होता है। ये कैसे होता है ये मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में बताया है। तो नीचे आ गया सेवन माइनस का फोर, इसका स्क्वायर सेवन इसका स्क्वायर फोर हो गया, तो सेवन माइनस फोर थ्री हो गया, तो इसमें ये प्लस का साइन है तो ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। तो इसको हम रेशनलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं। ओके तो अब किसी हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो उसमें इतना ही दे रखा हो तो आपको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपको सिर्फ रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है। Watch the video and copy it, then come to the next question. देखो ये लिखा हमने क्वेश्चन नंबर फोर, इफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट टू then the value of x minus 1 by x का होल स्क्वायर इज, ए ऑप्शन में दे रखा है 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8। ठीक है इस तरीके से ये गिवन है। अब देखो बच्चों क्या है कि x बराबर दे रखा है मुझे, है ना, तो आप सोचेंगे क्या करेंगे x की वैल्यू ये पुट करें क्या पुट करें। पहला काम क्या है कि 1 बाई एक्स इसमें है तो 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालो आप। तो 1 बाई एक्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस रूट टू, इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज किया ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस क्या आ गया रूट टू, 1 माइनस टू आ जाएगा, कितना बन जाएगा 1 माइनस रूट टू। ठीक है यहाँ पे माइनस वन, ये माइनस हटाया तो ऊपर वाले के साइन बदल दिया मैंने रूट टू प्लस वन। अब वन बाई रूट एक्स की वैल्यू तो ये और एक्स की वैल्यू ये इसमें पुट कर दें, जो आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो एक्स की वैल्यू 1 प्लस रूट टू। अब बच्चे बहुत सारे क्या गलती करते हैं, जब भी ये माइनस होता है तो इसके साइन नहीं बदलते हैं, तो साइन बदल लेना चाहिए। तो मैंने माइनस का रूट टू और क्या लिख लिया माइनस का वन इसका स्क्वायर। ठीक है अब ये हमें क्या दे रखा है, अच्छा सॉरी ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, टू बचा टू का स्क्वायर किसके बराबर हो गया फोर, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है तो हर क्वेश्चन जो भी मैं लिखने की कोशिश करूँगा वो पहले वाले से क्या होगा स्लाइटली चेंज होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में इस चैप्टर से हो सकता है। तो जो भी हम चैप्टर एमसीक्यू का अपलोड करेंगे आप अगर उनको कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा बहुत नहीं करने की जरूरत होगी। यहाँ हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए 3 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट सेवन, देन द वैल्यू ऑफ
ए एंड बी इज, क्या दे रखा है कि ए ऑप्शन में दे रखा है 3 and 5, बी ऑप्शन में दे रखा है 7 and 3, सी ऑप्शन में दे रखा है 8 and 3, डी ऑप्शन में दे रखा है 4 and 3। ठीक है, तो अब मैटर ये है कि ये इसमें से ए और बी की वैल्यू निकले कैसे। तो अगर आप कंसेप्चुअल वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ दिखाई देगा आपको। हमारी बुक में नहीं ऐसा कुछ भी दे रखा है, लेकिन है क्या कि इस टाइप के ही क्वेश्चन पेपर से इंटरेक्ट होते हैं, तो आपको इस टाइप के ही, अब हमारा जैसे उसमें लॉगर वो चैप्टर है एक्सपोनेंट वाला, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन बहुत टेढ़े टेढ़े से आते हैं, मैं अभी कराऊंगा आपको। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, रियल को रियल से और जो मेरा इरेशनल वाला होगा उसको उससे कंपेयर कर देंगे। तो 3+√7 डिवाइडेड बाय 3-√7 मल्टीप्लाई कर दिया, 3+√7 क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, 3√7+3√7 और प्लस का 7, इतना ही तो आएगा। और नीचे 9-7 इज इक्वल टू 8+√7। ठीक है, 9 और 7 कितने हो गए, 16 और ये 6√7 हो गए। ठीक है, ये बात मालूम होगी कि √a+√a 2√a के इक्वल होता है, 9-7 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, 2 कॉमन आ गया तो 8+√7। ठीक है, ये भी 2 हट जाएगा। अब MCQ है तो हम शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, a+b√7 a = 8। ठीक है, हम देख लें इसमें 8 यहाँ पर है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और √7 से ये वाला हट जाएगा तो b = 3, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 था, और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। तो ये थे, अब जैसे एक रेशनल है और एक इरेशनल है। ठीक है, तो दोनों का अगर सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन में मे बी या मे नॉट बी, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि अगर दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल होता है, दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है, इसी तरीके से प्रोडक्ट में हुआ करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था या 6 है, द वैल्यू ऑफ क्या लिखा कि x की पावर a-b और a+b डॉट x की पावर b-c और इसकी पावर है b+c और फिर डॉट x की पावर c-a और फिर इसकी पावर c+a इज इक्वल, क्या है 0, 1, 2 नन ऑफ दिस, 0 बी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में 2 और डी में 9। ठीक है, ज्यादातर बच्चों क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बन के ही इक्वल आता है। देखो कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे और बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बन के बराबर आ जाएगा। भाई x की पावर 0 बन के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया a²-b², यहाँ पे डॉट लगा हुआ है यानी प्रोडक्ट है, तो बेस सेम होता पावर ऐड होती है तो ये भी प्लस कर देंगे। ये MCQ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं इसको पूरा करता, और माइनस का c² + c² माइनस का a², यहाँ पर भी a² है, इससे ये कैंसिल, c² से c, b से b, x की पावर 0, दिस इज 1, तो आंसर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है ना, और देखते हैं। तो इस टाइप के MCQ चैप्टर 1 में हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर मैंने अब ये पहुंचा ना 7 पे, द वैल्यू ऑफ 2⁴ + 2⁴⁹
2^38 divided by 2^41 2^40 और यहाँ लिखा -2^39 एच। क्या दे रखा है इसने, 7/10 बी 1/2 सी 7/5 डी 5/7। ठीक है, तो अब ऐसा मेरी बुक में तो है नहीं, दूर दूर तक नहीं इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बच्चों, तो सबसे देखो सब बेस सबका सेम है, बेस सेम दे रखा है, तो आप देखो कितनी मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ली जा सकती है, 40 है 39 है 38 है, तो ऊपर वाले में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2^38। यहाँ से क्या बचेगा, 2^2 + 2+1। ठीक है, नीचे वाले में 2^ कितनी कॉमन आ सकती है, 41 है 40 है 39, तो 39 इससे कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा मेरा, 2^49 39 कॉमन आ गया, 2 बचेगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब आप देखो इसको क्या किया जा सकता है कि 2^38 2^39 या इसको नीचे ले आओ तो 1/2 बच जाएगा, और हमें क्या दिखाई दे रहा, यह प्लस है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 4 और 4 और 3 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ गया (7), और नीचे क्या हो गया 4 और 2 6 में से (5) हो गया, तो कितना बन गया 7/10 आ गया, तो 7/10 ही रहा आंसर, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है ना, और देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, यहाँ पे लिखा है कि एक 2^x इज इक्वल टू 3^y 6^z देन जेड इज इक्वल टू, जेड किसके इक्वल है, ए एक्स वाई अपान में एक्स माइनस वाई, बी एक्स प्लस वाई अपान में एक्स वाई, सी दे रखा है हमें एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई, और डी दे रखा है एक्स माइनस वाई अपान में एक्स वाई। ठीक है, तो बच्चों अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या था कि हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल है, बुक में भी नहीं है, आसानी से बुक में भी नहीं, किसी और दूसरी बुक में भी नहीं दे रखा होता है, नहीं होता है ना, तो इसको अब हम कैसे करेंगे, इसको भी देखते हैं, थोड़ा रब कर लेते हैं। ये दे रखा है, तो जब भी ऐसा दे रखा हो तो उसको हम क्या करते हैं कि के इक्वल सपोज कर लेते हैं, 2^x इज इक्वल टू 3^5। जब भी रेशियो की बात हो तो इसको किसी के इक्वल सपोज कर लेते हैं, तो ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, तो 2^x इज इक्वल टू के, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया कि के की पावर कितनी आ गई मेरी 1/x, ऐसे ही क्या आ गया कि 3^k 1/5 और 6^ क्या हो गया k^1/j। ठीक है, ये बात तो पता ही होगा कि ये कैसे लिख लिया हमने। अब देखो 6 का फैक्टर क्या होता है कि 2 × 3, तो k^1/z सॉरी यहाँ पे जेड आएगा। अब 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, k^1/x, तो इस 2 की जगह मैंने क्या लिख लिया, k^1/x मल्टीप्लाइड बाई k^ क्या है 1/2, दिस इज इक्वल टू k^1/6। अब आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर आ जाएगा, इन क्या की है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1/x + 1/y इज इक्वल टू k^1/z, तो 1/z। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें या देख लें, ऐसे ही आंसर है, ऐसा नहीं दे रखा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x^5 + x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/j। वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, जेड की, क्रॉस करोगे तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x^5 + x इसका इक्वल आ जाएगा ना, तो अब ये कहीं ऑप्शन है मुझे दे रखा है क्या, ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो ये क्या हो गया, तो ये करेक्ट हो गया। तो बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, मैं एक और लिख देता हूँ, आप उसको ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए
तभी जो है आपको जो है अच्छा भी लगेगा, और अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ जो जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है और आप उसको कर पाएं, ठीक है। तो मैंने पहले लिखा कि क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको ट्राई करने हैं। अच्छा, यहाँ लिखा 6/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। यहाँ लिखा द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 6/5, इसकी पावर है एक्स, और 5/6 इसकी पावर है 2x इज इक्वल टू 125/216। ऑप्शन में दे रखा है a3, b2, c1 और डी में ऑप्शन दे रखा है 4, ठीक है। एक और लिख दिया इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10, a 125 की पावर x, 25 की पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x, देन x लिख देते हैं, x इज क्या लिखा कि a -1/2, b 1/2, c 3/2 और d 9/3, ठीक है। फिर हमने एक और लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ क्या लिखा हुआ है, x की a स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का b स्क्वायर और इसकी पावर है 1/a+b मल्टीप्लाइड बाई x b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x c का स्क्वायर 1/b+c और डॉट में क्या है कि x c का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x a का स्क्वायर और 1/c+a इज इक्वल टू, इसका आंसर किसके इक्वल होगा, 0/2, 0 बी में 1, सी में 1/2 और डी में 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो आपने ही करने हैं, ठीक है, 2-3 लिखे हुए बहुत आसान से है और इस टाइप के रूल्स आप पढ़े हुए हैं, ऐसा ये बड़ा सा लग रहा है आपको अभी बताया कि इसका आंसर ज़्यादातर बन के इक्वल आता है, ठीक है, क्योंकि ये सब की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आ जाती है, x की पावर 0, उसका आंसर बन के इक्वल हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट कर दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपसे हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है और हो जाने चाहिए जहाँ तक मुझे आपसे उम्मीद है, और अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुए तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो बच्चों देखो, कुछ चैप्टर्स जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उनका मैंने MCQ पहले से अपलोड कर रखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें जा करके। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो उनको कि मैंने जिनका MCQ नहीं अपलोड कर रखा है, तो उनको मैं जब तक आपका पेपर होगा तब तक कई बार अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगा। अगर आप सिर्फ मुझे फॉलो करते रहे तब भी आपका ये समझ लीजिए आपको लगेगा कि बहुत आसान काम है इस टर्म में MCQ को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए आप उसे लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बच्चों मेरे से मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, अगर मेरे से आपको क्लास की रिक्वायरमेंट है, आपको अच्छा लगे पढ़ करके देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दे रखा होगा, डिटेल दे रखी होगी, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।